आज का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट चैप्टर लिया गया है, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स का जो चैप्टर है ये जो है आप लोगों को पढ़ाया जाएगा आज। इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में जो बेसिकली पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा देखा था कि डेमोक्रेसी क्या सिस्टम है, डेमोक्रेसी में क्या कुछ होता है, अलग अलग कंट्रीज में डेमोक्रेसी का क्या क्या सिस्टम है, इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने देखा था। और इस वाले क्लास में हम लोग जो है इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स देखेंगे, यानी कि जो पिछले क्लास में डेमोक्रेसी के अंदर हमने देखा था कि इलेक्शन होता था, लेकिन यहाँ हम लोग देखेंगे कि इलेक्शन होता कैसे है। ठीक है, इस वाले क्लास में तो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के अंदर जब आप इस चैप्टर को खोलेंगे, इसमें देखेंगे पहला टॉपिक है वाई इलेक्शन, इलेक्शन की जरूरत क्यों है। ठीक है, हमारे इंडिया में आखिर इलेक्शन की जरूरत क्यों है। ठीक है, इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है आपके हरियाणा का। ठीक है, जब इसमें आप डिटेल में जाएंगे तो इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है। इसमें देखिएगा कि एक पार्टी हुआ करती थी इसके अंदर हरियाणा के, जिसका नाम यहाँ पे दिया हुआ आप देखेंगे, यहाँ पे एक हेलो नेट हेलो आ रही आवाज आ रही ना। हाँ, तो यहाँ पे जो एक एग्जाम्पल दिया गया आप लोगों के एनसीईआरटी के अंदर, यहाँ पे जब आप देखेंगे द न्यूज, यहाँ से पढ़िए आप, द न्यूज पेपर रिपोर्ट इज अबाउट द स्टेट असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा। हरियाणा के अंदर एक स्टेट असेंबली इलेक्शन हुआ था 1987 के अंदर। ठीक है, जिसमें एक स्टेट हैज बिन रूल्ड बाय कांग्रेस पार्टी, वहां जो गवर्नमेंट थी कांग्रेस पार्टी की थी, लेकिन एक नेता हुआ करते थे जिनका नाम यहाँ पे दिया हुआ चौधरी देवीलाल। ठीक है, चौधरी देवीलाल जो कि अपोजिशन लीडर थे वहां, जो है उस वक्त अपोजिशन लीडर थे। ठीक है, आपको समझना होगा कि अपोजिशन लीडर होता है, एक रूलिंग लीडर होता है। सपोज दैट एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से आप लोग समझिए, आज के डेट में आपके बिहार के अंदर जो गवर्नमेंट है, रूलिंग गवर्नमेंट नीतीश कुमार की है। ठीक है, जो कि एक अलायंस अलायंस वाली गवर्नमेंट है, जो बीजेपी और जेडीयू मिलके यहाँ चला रही है, और दूसरी एक तरफ जो गवर्नमेंट है अपोजिशन गवर्नमेंट, जो कि आरजेडी की है, और जो छोटी मोटी पार्टी है वो मिलके अपोजिशन में बैठती है। ठीक है, तो दो गवर्नमेंट होता है, एक होता है कि रूलिंग गवर्नमेंट, एक होता है अपोजिशन गवर्नमेंट। तो ये चौधरी लाल जो थे ये अपोजिशन के नेता थे। ठीक है, और वहां कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट ऑलरेडी थी 1987 में। तो चौधरी लाल जो है एक मूवमेंट स्टार्ट किए, ले यहाँ देखिए लेडा मूवमेंट न्याय युद्ध। ठीक है, एक स्ट्रगल वहां उन्होंने स्टार्ट किया कि वहां की जो पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में थी वो जनता के लिए कोई काम नहीं कर रही थी, तो उन्होंने एक जो है स्ट्रगल वहां जस्टिस के लिए वहां शुरू किया, जिसका नाम था न्याय युद्ध। ठीक है, हिज पार्टी ज्वाइंड अदर अपोजिशन पार्टी एंड फाउंड अ फ्रंट अगेंस्ट द कांग्रेस इन दिस इलेक्शन। यानी कि जो छोटी छोटी पार्टियां थी उनसे मिलके इन्होंने एक अलायंस बना लिया। ठीक है, एक मतलब गुट बना लिया। ठीक है, जैसे अभी बिहार के अंदर राजद है, छोटी छोटी जैसे हम पार्टी है, एनसीपी है, ये सब मिलके जो है एक अपोजिशन में है। उसी तरीके से उन्होंने भी वहां क्या किया, न्याय युद्ध नाम से एक स्ट्रगल शुरू किया, और वहां छोटी छोटी पार्टी जो थी उसको जो है कनेक्ट करके एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बना ली। ठीक है, और अगेंस्ट किसके लड़ा, कांग्रेस पार्टी के, जो वहां रूलिंग गवर्नमेंट थी। देवीलाल ने क्या किया कि बहुत सारे मैनिफेस्टो लाए। मैनिफेस्टो क्या होता है कि जब कोई जो कैंडिडेट होता है इलेक्शन लड़ता है, उस लड़ने से पहले वो बताता है कि हाँ भाई मेरे इलेक्शन जीतने के बाद मैं ये करूंगा। ठीक है, उनका एक मैनिफेस्टो होता है। तो देवीलाल ने भी एक मैनिफेस्टो रखा, उन्होंने क्या कहा ये देखिए, देवीलाल सेड दैट हिज पार्टी वोन द इलेक्शन, इफ ए वोन द इलेक्शन हिज गवर्नमेंट वुड वेव द लोन। यानी कि उनपे जो किसानों के ऊपर जो लोन का कर्जा था उनको खत्म कर देंगे, ऑफ द फार्मर एंड स्मॉल बिजनेस, यानी कि छोटे बिजनेसमैन या जो भी फार्मर है उनका जो भी लोन है वो माफ कर दिया जाएगा अगर देवीलाल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, अगर उनकी सरकार बन जाती है। ही प्रोमिस दैट ही वुड बी द फर्स्ट दैट दिस वुड बी द फर्स्ट एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि ये इनका पहला काम होगा कि लोन को खत्म कर देना। ठीक है, उन्होंने ये वादा किया। द पीपल वेर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी एट प्रेजेंट, लोग उससे खुश नहीं थे। ठीक है, दे वेर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय देवीलाल प्रोमिस। अब देवीलाल ने जो प्रोमिस किया उससे अट्रैक्ट हो गए। सो वेन द इलेक्शन वेयर हेल्ड दे वोटेड ओवरवेलिंगली फॉर द लोक दल। यानी कि जब इलेक्शन हुआ तो लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और ये जो लोक दल था जो देवीलाल का, उसको बहुत वोट मिला। और वहां जब फाइनली जब रिजल्ट आया, वहां 90 सीटों में से 76 सीट, यहाँ देखेंगे आप, 90 में से 76 सीट लोक दल को आया। ठीक है, एंड लोक दल अलोन वोन द 60 सीट
अकेले इसने 60 सीट जीता और जो छोटी मोटी पार्टी थी वो 16 सीट जीती, यानी कि टोटल 76 सीट में 60 सीट लोकदल का था और 16 सीट जो है छोटी मोटी पार्टी वगैरह जो उनसे मिलके बनी थी उनको मिला। तो इस तरीके से देखिएगा कि एक गवर्नमेंट जो वहां कांग्रेस की इतनी मजबूत गवर्नमेंट थी उसको जो है देवीलाल ने उखाड़ के फेंक दिया। ठीक है, द कांग्रेस कुड विन ओनली 5 सीट। यहाँ देखिए कांग्रेस का जो है सिर्फ 5 सीट जीत पाई, सिर्फ 5, ओनली 5 सीट जो है कांग्रेस जीता। यानी कि अब देखिए किस तरीके से कांग्रेस का बुरा हाल हो गया। तो ये बताया जा रहा है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ये नहीं कहा जा सकता कि कोई एक पार्टी अगर गवर्नमेंट फॉर्म कर लिया तो वो हमेशा की हमेशा रहेगी। ठीक है, वहां चेंज भी हो सकता है। वंस द इलेक्शन रिजल्ट्स वेर अनाउंस्ड द सिटिंग चीफ मिनिस्टर रिजाइंड, वहां के जो पिछले चीफ मिनिस्टर थे रिजाइन दे दिए। द न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ लोकदल देवीलाल एज देयर लीडर, अब जो जीत गए इलेक्शन तो देवीलाल को अपना लीडर माने और वो वहां के न्यू सीएम जो है अपॉइंट हुए, गवर्नर उनको अपॉइंट किया। गवर्नर इनवाइटेड देवीलाल फॉर द न्यू चीफ मिनिस्टर, उनको नया मुख्यमंत्री बनाया गया। 3 days आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स वेर डिक्लेयर्ड ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर, वहां वो चीफ मिनिस्टर बन गया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे एज सून एज ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर हिज गवर्नमेंट इशूड अ गवर्नमेंट ऑर्डर वेविंग आउटस्टैंडिंग लोन्स ऑफ फार्मर्स, यानी कि जैसा वादा किया था उन्होंने इलेक्शन से पहले ही कि हम जो है किसानों का लोन माफ कर देंगे, बिजनेसमैन का लोन माफ कर देंगे, वैसा ही उन्होंने किया। एग्रीकल्चर लेबर एंड स्मॉल बिजनेसमैन, हिज पार्टी रूल्ड द स्टेट फॉर 4 years, यानी कि 4 साल तक उनका रूल रहा। द नेक्स्ट इलेक्शन वेर हेल्ड इन 1991 में फिर इलेक्शन हुआ, बट दिस टाइम, लेकिन इस बार क्या हुआ, बट दिस टाइम पार्टी डिड नॉट विन अ पॉपुलर सपोर्ट, इस बार पॉपुलर सपोर्ट उनको मिला नहीं। द कांग्रेस वन द इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, कांग्रेस वन द इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। तो यहाँ क्या देखा आप लोगों ने कि सरकार किसी की भी बनती है और कभी भी गिर सकती है। यानी कि कांग्रेस एक वक्त 1987 में देखिए कि पूरी मेजोरिटी में थी, पावर में थी, उसी को देवीलाल ने एक नया युद्ध के नाम से स्ट्रगल किया, एक मैनिफेस्टो दिया और पब्लिक जो है दूसरी तरफ सीधे चली गई और देवीलाल की गवर्नमेंट फॉर्म हो गई। फिर अगले इलेक्शन में क्या हुआ 1991 में, वैसा कुछ भी सपोर्ट नहीं मिला। यहाँ साफ लिखा हुआ बट दिस टाइम हिज पार्टी डिड नॉट विन द पॉपुलर सपोर्ट, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला और इस बार क्या हुआ कांग्रेस वो इलेक्शन जीत गई। तो इस तरीके से हमारे डेमोक्रेसी के अंदर जो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ऐसे ही होता है। ठीक है, कोई भी छोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी हो, आप कह नहीं सकते कि कौन सी गवर्नमेंट जो है यहाँ सरकार बनाने जा रही है। बिहार के अंदर में भी अभी तो फिलहाल 2-3 टर्म से नीतीश कुमार यहाँ रूल कर रहे हैं, बट नेक्स्ट इलेक्शन में कोई ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि जेडीयू या बीजेपी ही फॉर्म कर लेगी गवर्नमेंट। हो सकता है कि आरजेडी फॉर्म कर ले गवर्नमेंट छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी से टाई अप करके वहां। तो ये सारी चीजें हैं जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर होती हैं। ये चीज आपको इसलिए बताया गया है सिर्फ कि समझें कि आखिर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सरकारें कैसे चलती है, कैसे बनती है और कैसे जो है चेंज होती है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा कि व्हाई डू वी नीड इलेक्शन। सबसे बड़ा मसला ये है कि अब हर 5 साल पे इलेक्शन होता है हमारे यहाँ, तो इलेक्शन की जरूरत क्या है, आखिर क्यों बार बार यहाँ हमारे यहाँ इलेक्शन होता है, इलेक्शन की आखिर जरूरत क्यों है। ठीक है, तो इसमें जो मेजर पॉइंट है उसमें क्या है कि दे कैन चूज हु विल मेक द लॉस फॉर देम, यानी कि हर 5 साल के बाद आपके पास मौका होता है ऐसे इंसान को चुनने का कि जो कानून बना सके। ठीक है, उनके लिए एक कानून बना सके। दे कैन चूज हु विल मेक द लॉस फॉर देम, ठीक है, दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन, यानी कि ऐसे इंसान को चुनने का मौका देता है इलेक्शन कि जो आपके लिए मेजर डिसीजन ले, चाहे वो जिस भी लेवल पे हो, चाहे वो MLA हो या MP हो। ठीक है, आगे हम लोग फर्दर देखेंगे कि किस तरीके से हमारे यहाँ इलेक्शन होता है, MLA का क्या वर्क है, MP का क्या वर्क है, MLA का क्या एरिया आता है, MP का क्या, ये आगे हम लोग देखेंगे। पहले लेकिन हम लोग ये यहाँ देखना जरूरी है कि इलेक्शन क्यों जरूरी है। पहला पॉइंट आप लोगों ने समझ लिया कि कानून बनेगा, तो कानून बनाने के लिए कोई ना कोई इंसान चाहिए जो उस कानून को वहां तक पहुंचाए, चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पहुंचाए या पार्लियामेंट तक पहुंचाए। तो वो कानून कैसे बनेगा या पहुंचेगा, तो वो उसके लिए MP या MLA, ठीक है, आपको सेलेक्ट करना होगा, उसके लिए इलेक्शन जरूरी है। दूसरा, एक सही डिसीजन के लिए एक सही रिप्रेजेंटेटिव होना का बहुत जरूरी है, वो कैसे होगा, इलेक्शन से होगा। तीसरा पॉइंट, दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग, यानी कि वो ऐसे लोगों को चूज करें, द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड, यानी कि जिसकी पॉलिसी जो है
वो गाइड करेगी गवर्नमेंट और लॉ मेकिंग प्रोसेस में, ठीक है। इन तीनों चीजों को हम लोगों ने देखा कि इस तीनों पॉइंट के लिए कि क्यों इलेक्शन जरूरी है, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे पॉइंट क्लियर है, आवाज आ रही है मेरी ना ऑडियो? हेलो, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। अब इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कैसे बनता है, ठीक है। इलेक्शन जो है, आखिर इलेक्शन में क्या होता है जिसकी वजह से एक इलेक्शन डेमोक्रेटिक कहलाता है, क्योंकि इलेक्शन तो बहुत तरीके का हो सकता है। कहीं इलेक्शन ऐसा भी होगा कि जहां नाम का इलेक्शन तो हो रहा है बट उसमें कोई फ्री राइट नहीं है, यानी कि बायस तरीके से हो रहा है, किसी को वोट नहीं दिया जा रहा है, तो वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन तो नहीं कहलाएगा। डेमोक्रेटिक इलेक्शन वही कहलाएगा जिसमें बराबरी का हक हो, सबको वोट देने का हक हो, तो वो एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहलाएगा, ठीक है। इसमें जो है पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे, फर्स्ट एवरीवन शुड बी एबल टू चूज, यानी कि सबको हक होना चाहिए कि हम चूज कर सके। यही बात मैंने आपको कहा कि सबको बराबरी का हक होना चाहिए। दिस मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू, यानी कि सबके वोट का इक्वल वैल्यू होना चाहिए। यानी कि अगर एक कोई रिक्शा पुलर भी है तो उसके वोट की वैल्यू काउंट, एक ही वोट की वैल्यू काउंट होगी, जो कि एक मिलेनियर या कोई एक अमीर है या कोई इलाके का बहुत कद्दावर आदमी है, उसके भी वोट की वैल्यू एक ही वोट की वैल्यू होगी जो कि एक रिक्शा पुलर की होगी। तो ये सारी चीजें जो है एक इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती हैं। इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाने का सिंपल सा मतलब है कि बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, यानी कि इसमें कोई बेईमानी नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि वोट का वैल्यू अलग अलग लोगों के हिसाब से हो या उनके रिलीजन के हिसाब से हो, उनके स्टेटस के हिसाब से हो, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वोट की वैल्यू इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट है पहला जो कि इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, सेकंड, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम, यानी कि कुछ चुनने का आपके पास ऑप्शन होना चाहिए, यानी कि एक मोनोपोली नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक ही कैंडिडेट खड़ा है एक ही पार्टी का, तो जाहिर सी बात है कि वो वही जीतेगा, तो ये तो एक डेमोक्रेसी नहीं हुआ। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि आपके पास पब्लिक को राइट हो चुनने का, ठीक है, चुनने का एक राइट हो कि हाँ आपके पास 5 कैंडिडेट है आपके पास ऑप्शन में, आप उसमें से बेस्ट लोगों को आप सेलेक्ट करके उसके लिए वोट करेंगे। पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन, यानी कि सबको एंड शुड ऑफर, यानी कि सबको बराबर का हक होना चाहिए हर एक कंटेस्टेंट को, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को, कि वो इलेक्शन लड़ सके। थर्ड द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, यानी कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद जो है सबको मौका मिलना चाहिए। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स, यानी कि हर, जैसे कि यहाँ हमारे यहाँ हर 5 साल में इलेक्शन होता है, एमएलए का भी होता है एमपी का भी होता है, तो ये हर 5 साल के बाद जो है सबको एक रेगुलर इंटरवल, जो रेगुलर इंटरवल क्या है हमारे यहाँ वो 5 साल का है, हर 5 साल के बाद हमारे यहाँ नेता चेंज होते हैं, तो हर 5 साल के बाद एक नए नए लोगों को मौका मिलता है इलेक्शन में खड़ा होने का। जैसे जो लोग इस बार खड़े हुए वो इलेक्शन फाइट किया, अब मान लिया जो लोग बच गए या नहीं कर पाए तो उनको मौका होता है कि वो अगले नेक्स्ट टर्म में इलेक्शन में खड़े हों और जो है अपने आप को रिप्रेजेंट करें पब्लिक के लिए। ऐसा नहीं है कि किसी को मौका नहीं दिया जाता कि आप नहीं खड़े हो सकते, आप इस कास्ट से हैं आप खड़े नहीं हो सकते, आप इस जगह से हैं आप नहीं खड़े हो सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आपको प्रॉपर मौका दिया जाता है रेगुलर इंटरवल पे कि आप इलेक्शन में फाइट कर सकें। तो ये सारी चीजें, ये सारा पॉइंट्स मैंने बताया, ये इलेक्शन को एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन बनाते हैं। चौथा पॉइंट, द कैंडिडेट प्रीफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, यानी कि जो कैंडिडेट प्रीफर करता है उसको इलेक्ट किया जाता है, यानी कि जिसको लोग पसंद करते हैं वही इलेक्ट होके आता है। पांचवा पॉइंट, द इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश, यानी कि बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से, यानी कि द इलेक्शन शुड बी डन इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर। क्या कि बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट मैनर में होना चाहिए, यानी कि सब कुछ खुला हुआ हो, सबको पता चले कि हाँ भाई ये इलेक्शन ऐसे हो रहा है, और इसके लिए एक सेपरेट बॉडी होती है हमारे इंडिया में जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो इलेक्शन करवाती है, उसका काम ही यही होता है कि वो जहां भी इलेक्शन हो रहा है वो फ्री एंड फेयर बेस पे इलेक्शन को करवाए, ठीक है। वो आगे हम लोग देखेंगे भी, जो आगे चैप्टर में जैसे जैसे आगे आएंगे तो ये सारा पॉइंट देखेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए क्या क्या इलेक्शन कमीशन करती है या उसका क्या गाइडलाइन होता है, बहुत सारी चीजें हैं वो हम लोग देखेंगे। तो आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि इलेक्शन को डेमोक्रेटिक
क्या क्या चीजें बनाती है, ये सारा चारों पॉइंट हमने डिस्कस कर दिया। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें कि इज इट गुड टू हैव अ पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। ये एक सवाल है कि क्या डेमोक्रेसी में एक पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन का होना जरूरी है, या ये एक अच्छी बात है कि एक पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन हो या ना हो। ठीक है, ये बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे जो पॉइंट दिया गया है कि कंपटीशन होना एक अच्छी बात होती है, ठीक है, और जहां तक रही बात पॉलिटिकल कंपटीशन की, तो ये बेहद जरूरी है कि हमारे सोसाइटी के अंदर एक पॉलिटिकल कंपटीशन हो। क्योंकि देखिए, जब तक पॉलिटिकल कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखिए पॉलिटिकल कंपटीशन में सबसे बड़ा बेनिफिट जो है हम और आप जो जनरल पब्लिक है उनका बेनिफिट होता है, क्योंकि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे, हर ब्लॉक लेवल पे, जो भी है, जैसे अगर आप शहर में रह रहे हैं तो जैसे नगर पंचायत है, म्यूनिसिपैलिटी है, या फिर आप स्टेट लेवल पे चले जाते हैं एमएलए है, या फिर उससे भी ऊपर जाते हैं सेंट्रल लेवल पे एमपी है, तो वहाँ जब तक कंपटीशन नहीं होगा तब तक अच्छे लोग नहीं आ पाएंगे। जब तक अच्छे लोग नहीं आ पाएंगे आपके लिए अच्छा डिसीजन नहीं ले पाएंगे, जब तक अच्छा डिसीजन नहीं होगा आपके लिए आपके एरिया में अच्छा काम नहीं होगा। ठीक है, इसलिए एक पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसमें हम लोग जो फर्दर बेसिकली यही समरी है इसके अंदर, बाकी इसमें हम लोग जस्ट थॉरली एक बार रीड कर लेते हैं, अगर कुछ पॉइंट छूट रहा होगा तो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, इलेक्शंस आर दस ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। द कंपटीशन टेक्स वेरियस फॉर्म्स, द मोस्ट ऑब्वियस फॉर्म्स ऑफ द कंपटीशन अमंग पॉलिटिकल पार्टी एट द कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल क्या है कि यानी कि देखिए, जैसे एमपी का इलेक्शन होता है ना, तो हमारे दरभंगा में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी बटी हुई है, यानी कि एरिया वाइज पॉपुलेशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसी को बांटा गया है। ठीक है, 10 या 12 कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये बटा हुआ है, और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमपी खड़ा होता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे एक कॉम्पिटिशन का होना बहुत जरूरी होता है। इफ देयर इज नो कॉम्पिटिशन इलेक्शन विल बिकम अ पॉइंटलेस, यानी कि फिर कोई माने ही नहीं है इलेक्शन का, फिर किस लिए इलेक्शन करा रहे हैं जब कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है, फिर क्या मतलब है। अगर कंपटीशन होगा तभी तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी आएगी, अलग अलग लीडर्स आएंगे, अलग अलग लोग अपना अपना वादा करेंगे, अलग अलग लोग मैनिफेस्टो देंगे कि हाँ हम, अगर सपोज दैट बिहार के अंदर अगर पॉलिटिकल कंपटीशन नहीं होगा तो एक मोनोपोली आ जाएगी। अगर सपोज दैट जेडीयू है तो वो अपना एक मैनिफेस्टो लाती है कि हाँ भाई हम स्टूडेंट्स के लिए ये करेंगे, हम गरीबों के लिए ये करेंगे, हम वुमेन्स के लिए ये करेंगे, हम लेबर के लिए ये करेंगे, ये वादा करते हैं। वहीं आरजेडी होगी तो वो कुछ और वादा करेगी कि हाँ हम ये करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम पावर में आ गए तो ये करेंगे। तो ये कंपटीशन का होना बहुत जरूरी है, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ऐसे में पब्लिक का नुकसान है। ठीक है, और ये एक बेटर बेटर वे है पब्लिक के लिए कि वो अपने डेवलपमेंट को देख सकती है। ठीक है, अपने डेवलपमेंट के लिए एक पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इफ देयर इज नो कॉम्पिटिशन इलेक्शन विल बी पॉइंटलेस, कोई माने नहीं रह जाता है। बट It is good to have political competition. Clearly, an electoral competition has many demerits. Demerits भी होते हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि merits का ही point है सिर्फ। जाहिर सी बात है कोई भी चीज है उसका एक merit भी है, एक demerit भी है। जिस तरीके से आप लोगों ने democracy के अंदर देखा, उसका merit भी है, demerit भी है। ठीक है, it creates a sense of disunity, है ना। ये है कि हाँ एक disunity हो जाता है और locality के अंदर एक factionalism हो जाता है, यानी कि बट जाते हैं लोग। अब suppose that एक हिंदू कैंडिडेट खड़ा हुआ और एक मुस्लिम कैंडिडेट हुआ है, तो एक फैक्शनलिज्म आने का वहां पे चांस हो जाता है कि एक गुटबाजी जिसको बोलते हैं ना, एक गुटबाजी, धर्मनिरपेक्षता नहीं रह जाती है, सेकुलरिज्म वहां पे जो है वर्क नहीं कर पाता है। और खासतौर पे जो जैसे कि मैक्सिमम जगह, चाहे अगर जहाँ पे सेम कास्ट के भी लोग खड़े हैं, सपोज दैट दो हिंदू ही खड़े हैं, तो फिर भी वहां पे एक फैक्शनलिज्म आ जाता है लोकेलिटी के अंदर कि लोग दो टुकड़ों में बट जाते हैं, कुछ लोग उसके सपोर्ट में होते हैं, कुछ लोग इसके सपोर्ट में होते हैं। तो ये सारा पॉइंट है कि ये एक पॉलिटिकल कंपटीशन का एक डिमेरिट भी आप कह सकते हैं। मेरिट तो मैंने आपको बताया है कि मेरिट क्या क्या है, ये भी एक डिमेरिट है कि एक डिसयूनिटी हो जाएगा लोकेलिटी के अंदर, फैक्शनलिज्म आ जाएगा। यू वुड हैव हर्ड द पीपुल कंप्लेनिंग पार्टी पॉलिटिक्स इन योर लोकेलिटी, यानी कि लोग कहते हैं ना, अरे यार लोकेलिटी में आजकल बहुत ज्यादा पार्टी पॉलिटिक्स होने लगा। बस यही बात लिखी गई है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी एंड लीडर्स ऑफन लेवल एलिगेशन अगेंस्ट वन अनदर। अब एक दूसरे पर ब्लेम गेम चलता रहता है, अरे इसने ये किया, इसने वो किया, तो ये एक ब्लेम गेम भी होता है कि अलग अलग पार्टियां एक दूसरे पर एलिगेशन लगाती हैं।
और इसमें एलिगेशन के चक्कर में नुकसान जो है किसी और का नहीं होता, पब्लिक का होता है। एलिगेशन लगाने से क्या फायदा है? एलिगेशन लगाने बेसिक मोटिव ये होना चाहिए कि पब्लिक का बेनिफिट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पब्लिक के बेनिफिट के अलावा क्या हो जाएगा कि आपस में दो पॉलिटिकल पार्टी या दो लीडर्स आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर जाएंगे, जिसकी वजह से कुछ भी हो सकता है। आपके लोकेलिटी में टेंशन हो सकता है, आपके जहाँ रह रहे हैं जिस एरिया में वहाँ टेंशन हो सकता है, यानी कि उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स, यानी कि अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं, जिसको बोलते हैं ना कि वो कुछ भी कर सकता है जीतने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए नेता कुछ भी कर सकता है, यानी कि किसी को मारना, किसी को पीटना, किसी को कुछ भी, यानी कि एक तरीके से जो भी इलीगल क्राइम होगा वो इलेक्शन के लिए वो कर सकता है। ठीक है, कर सकता है, इट मीन्स कि वो करते ही हैं। इसका जो डिमेरिट है कि इलेक्शन के टाइम में आप सुनते ही हैं कि कहीं जो है पैसे का गलत इस्तेमाल किया जाता है, कहीं पावर का गलत इस्तेमाल होता है। तो ये सारी चीजें हैं कि एक तरीके से पॉलिटिकल कंपटीशन का डिमेरिट है। ठीक है, मेरिट तो मैंने बताया कि मेरिट में पब्लिक का बेनिफिट है, बहुत सारी चीजें बताई, ये डिमेरिट का पॉइंट है। ठीक है, सम पीपुल से दैट दिस प्रेशर टू विन इलेक्टोरल फाइट डज नॉट अलाउ द सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज टू बी फॉर्मुलेटेड, यानी कि एक तरीके का ये भी सेंस हो जाता है कि बस जब पॉलिटिकल कंपटीशन होता है तो नेता यही सोचता है, लीडर यही सोचता है अपने दिमाग में कि हमको जैसे भी हो बस ये 5 साल सिक्योर कर लेना है, फिर उसके बाद जो भी हो हमको मतलब नहीं है। तो एक तरीके से जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए डेवलपमेंट के लिए और उस एरिया के, वो छूट जाता है, वो फॉर्मुलेट नहीं हो पाता है। तो ये भी एक नुकसान है, क्योंकि हर 5 साल पे इलेक्शन होना है। तो अगर ऐसा हर लीडर सोचे कि हमको बस इसी 5 साल के लिए जो भी है सिक्योर करने के लिए हमको जो भी करना है करेंगे, उसके बाद का पता नहीं, हमको बस इसी 5 साल में रख के पैसा बना लेना है, तो जो भी पॉलिसी होगी या जो भी वेलफेयर का काम होगा पब्लिक के लिए वो इस चीज को ध्यान में नहीं रखेगा। ठीक है, तो ये भी एक डिमेरिट है। सम गुड पीपुल हु मे विश टू सर्व द कंट्री डू नॉट एंटर दिस एरिना। हाँ, ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि बहुत सारे लोगों को ये ख्वाहिश होती है कि हम इस देश की सेवा करें। ठीक है, इस देश की सेवा करें, मे विश टू सर्व द कंट्री डू नॉट एंटर दिस एरिना, लेकिन इस फील्ड में नहीं आना चाहते, क्योंकि उनका मानना ये होता है कि ये पार्टी पॉलिटिक्स जो है ये शरीफ लोगों का काम नहीं है, ये बदमाशों का काम है। क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर यही होता आया है कि गलत तरीके से पावर का इस्तेमाल किया जाता है और हर तरीके का क्राइम किया जाता है ताकि अपने आप का दबदबा बनाया जा सके। और जनरली इंडिया के अंदर इनप्रैक्टिकल यही होता है कि टिकट्स उनको ही मिलता है। आप अपने लोकेलिटी में भी देखेंगे कि एक कॉमन पीपल को, एक ईमानदार पीपल को, ये प्रैक्टिकल बात मैं बता रहा हूँ इस पॉइंट से रिलेटेड, एक ईमानदार आदमी को जो कि पॉलिटिकली उसका कोई एफिलेशन नहीं है लेकिन वो देश सेवा करना चाहता है। ठीक है, वो अपना लोकेलिटी के लिए भलाई करना चाहता है, अपने कौम के लोगों के लिए भलाई करना चाहता है, लेकिन फिर भी उसको टिकट मिलने का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, उसको टिकट मिल ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास ना पावर है, उसके पास ना क्रिमिनल बैकग्राउंड है और ना ही उसके पास इतनी फैन फॉलोइंग है। ये सारी चीजें होती है, जबकि सारा खेल डेमोक्रेसी के अंदर जो है जनता का ही है। ठीक है, जनता जिसको चाहती है बनाती है, बिगाड़ती है, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर टिकट मिले ईमानदार को तभी तो ईमानदार लोग आए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है इंडिया के अंदर कि अगर कोई विश करता है कि हम अपने कंट्री को सर्व करें, वो भी इस एरिना में नहीं आना चाहता। यही यही पॉइंट लिखा गया कि इस एरिना में जो है एंटर करना नहीं चाहते, क्योंकि कोई भी शरीफ आदमी क्यों चाहेगा कि उसका परिवार डिस्टर्ब हो जाए या उसके ऊपर कोई खतरा हो, नहीं चाहते, क्योंकि ये सारा काम जो है करप्ट लोगों का रह गया। ठीक है, जो करप्ट हैं, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, वही टिकट देते हैं, करोड़ों रुपया दे के एमपी का टिकट मिलता है, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज पैसा लेती हैं और वहां से जो है उनको टिकट दिया जाता है। सिर्फ टिकट का पैसा इसलिए दिया जाता है ताकि वो 5 साल आए, उनको पॉलिसीज से कोई मतलब नहीं होता, वेलफेयर के काम से कोई मतलब नहीं होता, उनको बस यही है कि उनका जो इन्वेस्टमेंट था करोड़ रुपए का टिकट लेने का, वो बस उसको वसूल कर लेना है। अगर 1 करोड़ लगा है तो उसको जो है 5 साल के अंदर 5 करोड़ रुपया, यानी कि एक तरीके से एक पॉलिटिकल सिस्टम जो है इंडिया के अंदर एक बिजनेस बन गया। ठीक है, जिस बिजनेस में बड़े बड़े जो पूंजीपति है वही जो है इस चीज में आ गए हैं। ठीक है, आम जनता के लिए कोई सीट नहीं रह गई ना, नहीं कोई पार्टी प्रिफर करती है कि हाँ भाई आप टिकट लें, और छोटे मोटे लेवल पे 2-4 लोग हैं जो ईमानदार लोगों को, जैसे गांव के अंदर निकाय का चुनाव होता है, यानी कि नगर नगर ये वाला क्या बोलते हैं,
नगर चुनाव होता है जैसे शहर के अंदर, उस वगैरह छोटी मोटी चीजों में तो जगह मिल जाती है, लेकिन बड़े लेवल पे गांव में जैसे मुखिया का इलेक्शन है, पंचायत समिति है, इन सारी चीजों में तो जगह कहीं ना कहीं मिल जाती है, लेकिन बड़े लेवल पे जहाँ एक बड़ा इम्पैक्ट होता है पब्लिक पे, जैसे कि MLA का है, MP का, वहां टिकट मिलने का बहुत ही रेयर चांस होता है। अभी तक तो मैंने नहीं देखा कि इन प्रैक्टिकल की किसी ईमानदार आदमी को टिकट मिल गया हो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से MP या MLA के लिए। हाँ, जो प्रीवियसली उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है या इन पावर वो रहा है या उसका कोई खानदानी बैकग्राउंड है, उन्हीं लोगों को प्रीफर किया जाता है। ठीक है, खैर ये तो प्रैक्टिकल की बात हुई जो मैंने आप लोगों को, इस पॉइंट से रिलेटेड था इसलिए मैंने बता दिया आपको। अब आगे बढ़ते हैं, जब इसमें आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वेर ऑल्सो अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम, ये बात जो है हमारे संविधान बनाने वाले लोग अच्छे से जानते थे कि ये प्रॉब्लम होगी ही होगी, येट दे ऑप्टेड फॉर फ्री कॉम्पिटिशन। फिर भी इन लोगों ने एक फ्री कॉम्पिटिशन के लिए ऑप्ट किया इन इलेक्शन एज अ वे टू सिलेक्ट आवर फ्यूचर लीडर। दे डिड सो बिकॉज द सिस्टम वर्क्स बेटर इन लॉन्ग रन, उनको लगा कि लॉन्ग रन में ये सिस्टम अच्छा काम करेगा, इसलिए संविधान बनाने के टाइम में उन लोगों ने ऐसा किया। इन एन आइडियल वर्ल्ड ऑल पॉलिटिकल लीडर्स नो व्हाट इज गुड फॉर द पीपल एंड आर मोटिवेटेड ओनली बाय द डिजायर टू सर्व देम। ठीक है, उनको पता होता है जो अच्छे लीडर होते हैं वो सिर्फ इसलिए मोटिवेट होते हैं कि पीपल के लिए काम करना है, ठीक है, और उनकी चाहत भी होती है कि सर्व करें। जो अच्छे लीडर होते हैं उनकी बात की जा रही है यहाँ पे। पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन इज नॉट नेसेसरी इन सच एन आइडियल वर्ल्ड, कोई जरूरी नहीं है, बट दिस इज नॉट व्हाट हैपेंस इन रियल लाइफ। ये मैंने आपको पहले भी बोला कि वास्तविकता में यानी कि हकीकी जिंदगी में प्रैक्टिकल लाइफ ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि इन चीजों को लिखा गया है, बट दैट इज नॉट व्हाट हैपेंस इन रियल लाइफ, ये लिखा हुआ है ना। पॉलिटिकल लीडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक ऑल अदर प्रोफेशनल्स आर मोटिवेटेड बाय अ डिजायर टू एडवांस देयर पॉलिटिकल करियर, यानी कि उन लोगों का मोटिव ये होना चाहिए कि पब्लिक को सर्व करना है, नेशन को सर्व करना है, ये पॉलिटिकल लीडर्स का मोटिव होना चाहिए। लेकिन उन लोगों का मोटिव क्या बन जाता है, मोटिवेटेड बाय द डिजायर टू एडवांस देयर पॉलिटिकल करियर, यानी कि वो अपने पॉलिटिकल करियर को कैसे बढ़ाएं, पैसा कैसे बनाएं, अपने पावर को कैसे मेंटेन करें, ये उनका डिजायर बन जाता है, जो कि इस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर जो पॉलिटिकल कंपटीशन है इसका डिमेरिट बन जाता है। दे वांट टू रिमेन इन द पावर और गेट पावर एंड पोजिशन फॉर देमसेल्व्स, यानी कि वो चाहते हैं कि हमेशा हम पावर में हो, क्योंकि पावर उनको पसंद है, और पावर में जब तक रहेंगे वो जो भी चाहे मर्जी करें, पैसा बनाएं या फिर जो भी गलत काम होगा, जब तक पावर में नहीं होंगे वो कैसे करेंगे। तो इन सारी चीजों की वजह से वो लोग चाहते हैं कि हमारा पॉलिटिकल करियर जो वो लंबा हो। दे मे विश टू सर्व द पीपुल एज वेल बट इट इज रिस्की टू डिपेंड द इंटायरली ऑन द सेंस ऑफ ड्यूटी, ठीक है, लेकिन दे मे विश टू सर्व द पीपल, उनको अगर चाहत भी होती है पीपल को सर्व करने की, बट इट इज रिस्की टू डिपेंड इंटायरली ऑन द सेंस ऑफ ड्यूटी, लेकिन वो अपने ड्यूटी पर इंटायरली जो है डिपेंड नहीं रहना चाहते हैं। बिसाइड्स इवन वेन दे विश टू सर्व द पीपल दे मे नॉट नो वाट इज रिक्वायर्ड टू डू सो, अगर चाहत भी होगी कि हम लोगों के लिए कुछ करें, उनको पता ही नहीं है कि क्या है और क्या जरूरत है और करना कैसे है, ठीक है, और द आइडियाज मे नॉट मैच व्हाट द पीपल रियली वांट, यानी कि उनका आइडिया ही मैच नहीं होगा कि आखिर लोग क्या चाह रहे हैं और करना क्या है, जब तक पॉलिटिकल मोटिव उसका क्लियर नहीं होगा। हाउ डू वी डील विद इन दिस इन रियल लाइफ सिचुएशन, अब हम लोग इसको कैसे डील करते हैं। वन वे इज टू ट्राई एंड इम्प्रूव द नॉलेज एंड कैरेक्टर ऑफ द पॉलिटिकल लीडर, ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एक तरीका तो ये है कि हम लोग नॉलेज और कैरेक्टर जो है पॉलिटिकल लीडर्स का इम्प्रूव करें। मैक्सिमम देखिएगा कि जो भी पॉलिटिकल लीडर्स खड़े होते हैं पढ़े लिखे नहीं होते, या तो वो जाहिल होगा सबसे बड़ा, या सबसे बड़ा गुंडा होगा, या सबसे बड़ा जो है उस एरिया का बदमाश आदमी होगा, उसी को टिकट मिलती है। तो हम लोग ये कोशिश कर सकते हैं कि एक पढ़ा लिखा आदमी जिसका कैरेक्टर अच्छा हो उसको हम लोग जो है पॉलिटिकल पार्टी में जो है एफिलिएट करें और उनको चुनें, ठीक है, ये कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे जब देखेंगे फर्दर, द अदर एंड द मोर रियलिस्टिक वे इज टू सेट अप अ सिस्टम वेयर द पॉलिटिकल लीडर्स आर रिवार्डेड फॉर सर्विंग द पीपल, यानी कि ऐसे लोगों को सेलेक्ट करके भेजेंगे कि जो वहां पे सर्व करने की मोटिव रखता हो। ऐसे बेईमान लोगों को नहीं आपको सेलेक्ट करके भेजना है कि जो बस अपनी मोटिव के पीछे ही भाग रहा हो, पब्लिक वेलफेयर के पीछे उनका कोई मतलब ही नहीं हो, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट है जो आपको यहाँ पे मैंने कवर कराया। अब यहाँ से 10 मिनट ही है इसमें, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको समराइज कर दूँ, ठीक
ठीक है, अब तक जो पढ़ाया है और जो भी नेक्स्ट पॉइंट हो पाता है 10 मिनट के अंदर मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्लियर होना चाहिए आप लोगों को पॉइंट कि पॉलिटिकल कंपटीशन क्यों जरूरी है। इसमें हमने देखा कि उसका बेनिफिट भी है और जो है डिमेरिट भी है, ठीक है, दोनों दोनों पॉइंट हमने देखा। पॉलिटिकल कंपटीशन एक तरीके से जरूरी भी है, होना भी चाहिए ताकि अच्छे लोग चुन के आ सके। दूसरा डिमेरिट यही देखा हम लोगों ने कि एक डिसयूनिटी हो जाता है, यानी कि मोहल्ले में आसपास एरिया में जहाँ भी आप रह रहे हो वहाँ एक फैक्शनलिज्म हो जाता है, यानी कि लोग बट जाते हैं दो टुकड़ों में। ठीक है, अगर सपोज दैट हिंदू कैंडिडेट खड़ा है या कोई मुस्लिम है तो दो फैक्शन दो पार्ट हो जाते हैं, एक ही कास्ट के दो पार्ट हो जाते हैं, तो ये एक नुकसानदेह चीज़ है। दूसरी चीज़ हमने देखा कि बेनिफिट क्या होता है, ये भी देख लिया हम लोगों ने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के अंदर जरूरी है पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन के लिए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एक फोटो दिया हुआ है, फोटो से आप लोग बेटर पिक्चर आप लोगों के दिमाग में होगा। देखिए जहाँ पे जैसे एक ये पॉलिटिशियन है, ठीक है, एक पॉलिटिशियन है, ये क्या है, एक बैग लिए हुआ अपने कंधे पे। बैग किस चीज का है, बैग के ऊपर लिखा हुआ है प्रोमिसेज, यानी कि एक प्रोमिसेज को जो है पॉलिटिकल टर्म में हम लोग बोलते हैं मैनिफेस्टो। कि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी जब जहाँ अपने कैंपेनिंग के लिए आती है तो उसके पास एक घोषणा पत्र होता है, हिंदी में बोलते हैं उसको घोषणा पत्र और इंग्लिश में बोलते हैं उसको मैनिफेस्टो। उस मैनिफेस्टो के अंदर क्या होता है, तरह तरह का वादा होता है। ठीक है, जैसे कि आपके अभी बीजेपी गवर्नमेंट जब फॉर्म की थी तो उनके मैनिफेस्टो में था कि राम मंदिर का निर्माण करवाना है, ये उनके मैनिफेस्टो में था। तो वो एक प्रॉमिस होता है जो अपने मैनिफेस्टो में गवर्नमेंट जो है बनने वाली गवर्नमेंट पहले इलेक्शन कैंपेनिंग में दिखाती है कि हाँ भाई ये प्रॉमिसेज है। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि एक पॉलिटिशियन है जो ढेर सारा प्रॉमिस बैग में रखे हुआ है, और वोटर क्या है, यहाँ पे देखिए वोटर को यहाँ पे शो किया गया है डॉग से। वोटर क्या है, एक तरीके से दिखा रहा है डॉग है जो प्रॉमिसेस के पीछे भाग रहा है ना, वो प्रॉमिसेस लेके भाग रहा, पॉलिटिशियन प्रॉमिस लेके भाग रहा और वोटर प्रॉमिस के पीछे भाग रहा। तो इंडिया के अंदर तकरीबन यही सिचुएशन है, सिर्फ पॉलिटिशियन प्रॉमिसेस के नाम पे लालच देते हैं बट इन एक्चुअल ऐसा कुछ नहीं मिलता। बहुत रेयर केस में ही होता है कि मैनिफेस्टो का 100% कंप्लीशन पूरा किया जाता है। ठीक है, दूसरे कार्टून में देखिए, बड़ा फनी कार्टून है, मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वायदे हैं। ठीक है, तो वोटर क्या कर रहा है, उल्टा टांग के पॉलिटिशियन को, मेरे पास वोट है। तो यहाँ पे देखिए दोनों सीन बताया गया है कि एक वोटर कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एक वोटर का क्या पावर है। और दूसरी जगह ये दिखाया गया है, एक जगह तो वोटर को बहुत नीचा दिखाया गया है कि एक वोटर को डॉग से कंपेयर कर दिया गया कि वो प्रोमिसेस के पीछे भाग रहा है, दूसरी जगह क्या है, पॉलिटिशियन को उल्टा टांग के ऐसे पकड़े हुआ वोटर कि मेरे पास वोट है, ये बोल रहा है मेरे पास योजना है, घोषणा है, वायदे हैं। तो वोटर क्या बोल रहा है, मेरे पास वोट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गिरा भी हुआ वोट जो है ना, पॉलिटिशियन अपना बैनर लेके घूम रहा है। तो इन एक्चुअल जो है हमारे लिए आइडियल कंडीशन ये वाला है, ठीक है, जहाँ हम पावरफुल हों, ठीक है, हमारा अथॉरिटी हो, हमारे पास सब कुछ हो कि हम पॉलिटिशियन से सवाल कर सकें कि आखिर हमारे एरिया में काम क्यों नहीं हुआ। जब वोट लेने आता है पॉलिटिशियन तो हम उनसे ऐसे ही जैसे ये उल्टा टांग के दिखाया है ना, उल्टा तो नहीं टांग सकते बट प्रैक्टिकली सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ पे पिक्चर दिखाने का मतलब यही है कि यू कैन आस्क द क्वेश्चन, ठीक है, कि हाँ भाई हमने आपको चुन के भेजा, हमारे एरिया के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आपको MLA चुना या MP चुना, आपने मेरे एरिया के लिए क्या किया। सवाल जो है अथॉरिटी का जो सवाल है वो आजकल रह ही नहीं गया, हम लोग सवाल कर ही नहीं। सबसे पहली बात तो आप रीच ही नहीं कर सकते पॉलिटिशियन के पास। तो ये दोनों चीज आपको बताया गया इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में, ये वाला पॉइंट आपको समझना है। ठीक है, फर्दर जो नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, ये एक न्यू टॉपिक है। इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि इंडिया के अंदर जो इलेक्शन होता है उसमें लोकसभा और विधानसभा का, ये डिटेल्ड टॉपिक है और आराम से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, इसको हड़बड़ा के जल्दी पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर मिक्सअप हो जाएगा सारी चीजें, फिर जो है बर्डन हो जाएगा। इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। बेसिकली पॉइंट आपको हम बता देते हैं कि पढ़ेंगे क्या, उसका एक माइंड में आप लोगों को दे देते हैं। नेक्स्ट इलेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिया के अंदर जो हम लोग गवर्नमेंट फॉर्म होती है, चाहे वो स्टेट लेवल पे होती है या सेंटर लेवल पे, तो किस तरीके से वर्क करता है। लोकसभा के अंदर देखेंगे कि गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो कैसे फॉर्म होती है, और एक पढ़ेंगे विधानसभा, यानी कि विधानसभा को हम लोग बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इन सिंपल लैंग्वेज ये समझिए कि जो हमारे बिहार पटना में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और जो अपोजिशन के लीडर हैं जैसे तेजस्वी यादव हैं, तेज प्रताप या जो भी अपोजिशन लोग बैठते हैं उनको बोलते हैं हम लोग विधानसभा। ठीक है, उसके डिटेल के बारे में पढ़ेंगे, और एक लोकसभा है जो दिल्ली में है, जो लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है,
ये पॉइंट्स जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उसमें पढ़ेंगे हम लोग के इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, हमारे एरिया में कॉन्स्टिट्यूएंसी कितने हैं। हम लोग प्रैक्टिकली दरभंगा का भी केस देखेंगे कि दरभंगा के अंदर कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ये देखिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी वगैरह की फोटो है अलग अलग, हम लोग प्रैक्टिकल से समझेंगे। उसके बाद कुछ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है एरिया में, क्या होती है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, किन लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिजर्व किया जाता है, SC ST जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए क्या प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए जो जनरल जनरल पब्लिक हैं उनके लिए क्या प्रावधान है। फिर हम लोग देखेंगे कि वोटर लिस्ट क्या होता है, ये सारा पॉइंट हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, हमारे इंडिया के अंदर कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है टोटल, मैप के थ्रू यहाँ पे दिखाया गया है, जिसमें जनरल की कितने सीट है, रिजर्व की, उसके बाद जो SC ST के लिए कितनी सीटें, और स्टेट वाइज भी हम लोग देखेंगे कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है पूरे इंडिया के अंदर, जो भी स्टेट है या यूनियन टेरिटरीज के अंदर। ये सारा पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और अगर हो सकेगा तो ये भी पॉइंट कवर कर लेंगे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होती है कैंडिडेट्स को, यानी कि जो इलेक्शन में खड़े होते हैं उनके एजुकेशन। और हम चाहते हैं कि आप लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ाएंगे ना उसको थोड़ा पढ़ के आए। ठीक है, थोड़ा जब आप पढ़ के आएंगे ना तो एक बेसिक आइडिया रहेगा, फिर समझने में भी आसान होगा और हमको पढ़ाने में भी जो है आसानी पड़ेगा। तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में जो मैंने आपको अभी टॉपिक बता दिया कि क्या क्या पढ़ाने वाले हैं वो आप लोग जरूर करके आइएगा। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, कि इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है ये पढ़ के आइएगा। ठीक है, बता देता हूँ क्या क्या पढ़ना है आपको। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी पढ़िएगा, वोटर लिस्ट आप लोगों को पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, उसके बाद आप लोग ये पूरा टॉपिक हम करवाएंगे कल पूरा, क्योंकि सारा इंटरलिंक्ड है। एक ये भी पढ़िएगा, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है, ये भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे नॉमिनेशन पेपर में क्या क्या होता है। इलेक्शन कैंपेन, ये तो छोटी सी चीज है, तो बड़ी बात नहीं है। इलेक्शन कैंपेन आप लोग को भी पता है कि नेता आते हैं हमारे यहाँ, कैंपेनिंग होता है, क्या क्या मैनिफेस्टो होता है, ये सारी चीजें जो है आप लोग नेक्स्ट क्लास में जरूर पढ़ के आइएगा। क्योंकि जब तक पढ़िएगा नहीं, पॉइंट्स आप लोगों के दिमाग में क्लियर नहीं होगा, फिर समझ नहीं आएगा कि जो पॉइंट हम अगर डिस्कस करेंगे ना, फिर समझ में नहीं आएगा। जब आप लोग एक बार पढ़ के आइएगा ना तो वो पॉइंट जब डिस्कस होगा ना तो फिर समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में अगर कोई डाउट है आप लोगों को, हेलो हेलो, आज के क्लास के में कोई डाउट है किसी बच्चे को तो पूछ सकता है। ठीक है, अभी क्लास है, नो सर, नहीं डाउट है सर, सारा पॉइंट क्लियर है।